कैमरून के ऊपर हो गया चार, चार के ऊपर हो गया आपका नाइजर, इसके बाद इधर हो गया आपका बेनिन, बेनिन। फिर मैं दिखाता कि यहाँ पे एक नदी आके गिर रही है, ये नदी नाइजर की राजधानी नियामे से होते हुए आ रही है, यहाँ नदी गिर रही है, डेल्टा बना रही है। डेल्टा जो बना रही है, बोलते हैं डेल्टा ऑफ नाइजर रिवर, डेल्टा ऑफ नाइजर रिवर। यहाँ पे नाइजर रिवर का डेल्टा है, डेल्टा। जब कोई नदी अपने समुद्र मिलती है और समुद्र मिलने से पहले नदी कई तरह की ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है इस तरह से, ये। और जो नदी बढ़ती ब्रांचेस में, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर पे सी लेवल पे आके मिलती है, तो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। और डेल्टा जो होता है ये आमतौर पे एक तो फर्टाइल सॉइल भी होता है, दूसरा इस डेल्टा जो आमतौर पर ऑयल एंड गैस के मिनरल्स भी इसमें कई बार मिलते हैं। नाइजर का ये जो इलाका है, नाइजर नदी जो यहाँ पे नाइजीरिया में गिर रही है, इसका नाम है नाइजर नदी, डेल्टा ऑफ नाइजर। ठीक, नदी है नाइजर, और ये इधर कहीं से निकल के आ रही है। एग्जाम में दिया आएगा तो याद रखिएगा, नाइजर नदी यहाँ की गिर रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, नाइजर। देखिए आप वहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है कि जो नाइजीरिया के कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो उसके कोस्टल इतिहास में है, जैसे लागोस, तो यहाँ पे एक शहर दिखा हुआ लागोस, LAGOS, देखा लागोस, मिल गया लागोस, वो देखिए LAGOS, ये। ठीक ठीक, मेरे ख्याल से पॉइंट्स क्लियर हैं। नाइजर द्वीप पे एक रिजर्व भी दिखा हुआ यहाँ पे, कैन जी रिजर्विया, नाइजर नदी पे कैन जी रिजर्विया मिला यहाँ पे, कहीं रिजर्विया हुआ एक कैन जी रिजर्विया, गॉट इट। अब ये अपना केवल करंट में न्यूज था, लेकिन इसके नाम पे अपने कंप्लीट कर लिया। ये है प्योर यूपीएससी तैयारी का तरीका, ठीक, चीज़ों को लिंक करके पढ़ना। क्लियर होगा? अब आप अगली वाली न्यूज़ पढ़ोगे न्यूज़पेपर्स में, तो हो सकता है कि आपको न्यूज़ से मिले कि नाइजीरिया के इस डेल्टा इधर में ऑयल के जो कुएं हैं, जो रिजर्व्स हैं, उनको लेके कोई इशू निकल के आया, जिहादी ग्रुप इन्हीं ऑयल एंड गैस रिजर्व पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर नाइजीरिया में ऐसी न्यूज़ आती रहती है, तो इन फ्यूचर हो सकता है ऐसी कोई न्यूज़ मिले अपन को। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए। अब आप जिहादी मतलब ऐसे लोग जो धर्म के नाम पे रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिहादिस्ट, क्रांति की मांग कर रहे हैं। जिहाद मतलब धर्म के नाम पर आंदोलन या लोगों को लड़ने के लिए उकसाना, जिहाद। मिडावेस्ट जब हम पढ़ेंगे, इस प्रकार का जिहाद भारत में बाबर ने किया था, जिहाद का नाम दिया था बाबर ने। हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर चाहो लिख लेना कि बाबा आल्सो डिक्लेयर जिहाद इन इंडिया। ठीक, जब वो फाइट कर रहा था राणा सांगा के साथ, व्हेन ही वाज फाइटिंग विद राणा सांगा, ही डिक्लेयर जिहाद इन इंडिया, राणा बाबर। चलिए, अब एक चीज से मैंने नीचे लिंक कर दी। ठीक, तो जिहाद बेसिकली धर्म के नाम पर लोगों को क्रांति या लड़ने के लिए उकसाना, इस तरह के पैटर्न को बोलते हैं जिहाद। जिहादिस्ट ग्रुप ये है, इब तक आतंकवाद, आतंकवादी हैं लोग, नाइजीरिया में आतंकवादी समस्या है, तो इसलिए न्यूज चर्चा में थी। मेरे ख्याल से आई थिंक सारे इसका आस्पेक्ट क्लियर कर दिया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप यहाँ पे और गौर करें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पोर्ट नोवा है बेनिन की राजधानी, और टोगो की है लोमे। देखा, ये कोस्टल है, और अबूजा जो है कोस्टल नहीं है। अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ऐसे,
कि कंसीडर फोर स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर, निम्नलिखित विचार करिए उसे कथन सुनिए। और मैं कहूंगा आपको कि रिसेंटली अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया में ज्यादा लोगों ने जेल आउटब्रेक की घटना को अंजाम दिया। दूसरा, अबूजा एक कोस्टल कैपिटल है नाइजीरिया की। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ नन? तो पहला तो सही है, बट अबूजा जो है ये कोस्टल नहीं है, ये ऊपर की तरफ है, ठीक। लेकिन यहाँ का एक शहर है लागोस, वो कोस्टल है, जो एक बड़ा शहर है वो कोस्टल है। किला हुआ, ठीक। अब आप देखो जहाँ पे लो में लिखा है पोर्टो के नीचे आपके एटलस में, यहाँ पे बैनिंग के पास ये टोगो है, तो यहाँ देखो कि यहाँ पे एक कोस्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा कोस्ट का नाम स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ऐसा कुछ लिखा होगा कोस्ट के नाम दिए होंगे कुछ, स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ग्रेन कोस्ट। फिजिकल मैप पे नहीं, पॉलिटिकल मैप पे, फिजिकल मैप पे होगा, पॉलिटिकल मैप नहीं, फिजिकल मैप पे होगा। कोस्ट दिए होंगे, तट दिए होंगे, यहाँ समुद्र में टोगो के नीचे देखो, टोगो के नीचे लिखा होगा गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट, कुछ ऐसा है क्या? इसके बगल में टोगो बगल में शायद घाना होगा, देखो घाना है देश, घाना के कोस्ट, क्या लिखा है कोस्ट पे, क्या लिखा हुआ है घाना के कोस्ट में, कुछ लिखा है कोस्ट पे, समुद्र के अंदर कुछ लिखा हो? नहीं है, नहीं है क्या? चलिए पुराने मैप में आप देखेंगे एटलस में, तो यहाँ पे स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, एक ज़माने में जब कॉलोनाइजेशन था तो अंग्रेज लोग यहाँ से लोगों को ले आते थे और बदले में सब चीज़ें लाते थे, तो इसलिए इनके नाम पड़ गए आपके। आइवरी कोस्ट भी दिखेगा यहाँ पे, देखो आइवरी कोस्ट दिखा होगा, आइवरी कोस्ट नहीं है होगा। चलिए आगे देख लेंगे। तो ये तो होगी पहली घटना, इसी घटना से जुड़ी हुई दूसरी न्यूज जो थी वो ये थी, सेम न्यूज देख लीजिए फटाफट, ठीक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब एडी में नहीं, राज्यसभा, 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 इसके लिए, राज्यसभा के लिए कल चार लोगों को राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है, नॉमिनेट किया है, पहले लिख लीजिए, समझाता हूं फिर क्या होता है। नॉमिनेट किया चार लोगों को, ओलंपिक स्प्रिंटर पीटी उषा, म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा, फिल्मोग्राफिस्ट वीरेंद्र हेगड़े, स्क्रीन राइटर वी विजयन प्रसाद। राज्यसभा के लिए कल इन चार लोगों को नॉमिनेट किया राष्ट्रपति ने, नॉमिनेट किया राष्ट्रपति जी ने, ठीक है, नॉमिनेट किया राष्ट्रपति जी ने इन चार लोगों को। सबके फील्ड लिख लीजिए, कौन किस फील्ड से है पहले ये लिख लीजिए। चार लोगों को राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए।
राष्ट्रपति टोटल 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, बारह को नॉमिनेट करते हैं, और नॉमिनेट करने का आधार होता है पर्सन्स नोन फॉर हिज फॉर देयर एमिनेंस इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स एंड पब्लिक सर्विस एंड पब्लिक सर्विस। टोटल 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए, और इन 12 लोगों में से इन 12 लोगों को चुनने का आधार है पर्सन्स नोन फॉर देयर एमिनेंस इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स एंड पब्लिक सर्विस। अभी 12 में से 7 सीट खाली हैं, 4 को भर दिया गया है, लगभग 3 और खाली रह गई हैं। इस समय 12 में से 7 सीट्स वर वेकेंट, ऑफ विच 4 हैव नाउ बीन फिल्ड। हैव नाउ बीन फिल्ड। हैव नाउ बीन फिल्ड। क्या होता है समझाऊंगा अभी आपको। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, टोटल 12 सीट नॉमिनेट के लिए होती है, 3-4 का अपॉइंटमेंट हो गया, 3 का भी खाली है, और टोटल 12 में 7 खाली थी, 12 में 7 खाली थी, 4 का हो गया, 3 बाकी है ऐसा। ठीक, जो 4 लोग चुने गए हैं, 4 दक्षिण भारत से हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, चारों जो है दक्षिण भारत के राज्यों से आते हैं। ठीक, जिनको नॉमिनेट किया गया है, सबसे पहले आइए पीटी उषा। ये केरला के कोझिकोड में का बर्थ हुआ था, इंडिया की बेस्ट नोन ट्रैक एंड फील्ड स्टार रही हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड पद्मश्री मिल चुका है पूर्व में। अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री मिल चुका है पूर्व में। ठीक है, दूसरे इलैयाराजा, ये तमिलनाडु से हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि मिल चुका है, और लगभग 1000 फिल्मों के लिए उन्हें 700 से अधिक गाने लिखे हैं। एक है फिल्मों के लिए लगभग 700 से अधिक गाने लिखे हैं उन्होंने। इलैयाराजा
700 की कहानी लिखी है। मिस्टर हेगड़े, ये धर्माधिकारी हैं, धर्मशाला टेंपल कर्नाटक के कस्टोडियन हैं। एक पीढ़ी के पास लगातार पीढ़ी बाई पीढ़ी मंदिर बना हुआ है, धर्माधिकारी बोलते हैं उनको, कस्टोडियन को। एग्जाम में आ जाए धर्माधिकारी क्या है तो पता चाहिए कि ये कस्टोडियन के शब्द इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये मंदिर उनके पहले उनके पूर्वज और अब वो देख रहे हैं, उसके बाद उनके आगे वंश देखेंगे। तो ऐसा जो कस्टोडियन होता है जो मंदिर का, उसको बोलते हैं धर्माधिकारी। ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, दानदाता भी हैं, दानदाता भी हैं। दानदाता भी हैं। श्री धर्माधिकारी मंजूश्वर एजुकेशन ट्रस्ट को चलाते हैं ये। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण मिला हुआ है। मिस्टर हेगड़े, 2015 में पद्म विभूषण मिला हुआ है। मिला हुआ है। केवी विजन प्रसाद आंध्रप्रदेश से हैं, एपी, जाने माने स्क्रीन राइटर हैं। बाहुबली, आर्यभट्ट, ये सारी मूवी नहीं लिखी है। इनको भी राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, ये भी नॉमिनेट हुए हैं, ये भी राज्यसभा के लिए एमपी बन गए हैं, अभी भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा। तो ये कुल चार लोग जो हैं नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा के लिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब जो आप लोग सोचे थे वहीं चलेंगे अपन। इस न्यूज को कनेक्ट करेंगे पास से, कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक, ताकि आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाए। बेट लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, लाए निकाल लीजिए। फटाफट चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और यहां पे हम शुरू करेंगे आर्टिकल 7। आर्टिकल 79 ये कहता है कि देयर शैल बी पार्लियामेंट फॉर द यूनियन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कहता है 79, देयर शैल बी पार्लियामेंट फॉर द यूनियन। और कहता है कि यूनियन
के लिए एक पार्लियामेंट होगी जिसमें एक प्रेसिडेंट होगा और दो हाउस होंगे, ठीक, एक प्रेसिडेंट होंगे और दो हाउस होंगे, ऐसे आर्टिकल 79 ये कहता है कि एक पार्लियामेंट होगी और पार्लियामेंट में दो चीजें होंगी, एक तरफ होंगे राष्ट्रपति और एक तरफ होंगे हाउसेस, हाउसेस दो होंगे, एक होगा अपर हाउस और एक होगा लोअर हाउस, अपर हाउस को बोलेंगे राज्यसभा और लोअर हाउस को बोलेंगे लोकसभा, ये तो कहता है आर्टिकल 79, ठीक, पढ़ लीजिए, मैंने उसको तोड़ के लिख दिया है कि एक तो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक तब होंगे हाउस सदन, सदन दो होंगे राज्यसभा और हाउस लो हाउस। आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बताता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ठीक, ये कहता है कि राज्यसभा में जो मेंबर्स होंगे जिनको हम एमपी बोलेंगे, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, ये दो जगह से आएंगे, एक इलेक्टेड और दूसरे नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड मेंबर्स 12 होंगे, देख लीजिए लिखे हैं 12, और इलेक्टेड मेंबर जो हैं नॉट मोर देन 235 38, पास में 238 होंगे इलेक्टेड, 12 होंगे नॉमिनेटेड, देख लीजिए आप, ठीक, क्लियर, 238 इलेक्टेड होंगे, 12 होंगे नॉमिनेटेड, टोटल हो जाएंगे आपके कितने, टोटल जाएंगे 250। आर्टिकल ये कहता है कि 238 जो है, ये 238 जो दिखाई दे रहा है आपको, ये राज्य और यूटी से आएंगे, राज्य और यूटी से आएंगे, ठीक, मतलब इलेक्टेड मेंबर राज्यों से भी आएंगे और यूटी से भी आएंगे, तो ऐसे दिखेगा स्टेट्स प्लस यूटी, ये 12 स्टेट यूटी वाला मामला नहीं है, ये कहीं से भी आएंगे और इनको जो नॉमिनेट करेगा वो कहलाए, वो कह देगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और टोटल फिगर हो जाएगा आपका 250, ठीक। आर्टिकल ये कहता है, आर्टिकल 80, कि ये जो 12 लोग होंगे ये रिस्पेक्टिव फील्ड से आएंगे, एक लिटरेचर, दूसरा साइंस, तीसरा आर्ट एंड फोर्थ सोशल सर्विस, ये समझ में आ गया, ये आर्ट के टी कहता है, साफ लिखा है द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of matters such as following, namely, और साफ लिखा यहाँ पे literature, science, art, show service, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, राज्यसभा मेंबर ऐसे आते हैं। अब दो तीन चीजें और समझ लेते हैं कि राज्यसभा में जो इलेक्शन है, ये जो इलेक्शन है यहां पे, मैं दो तरह के मेंबर्स हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, जो इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्शन जो है, इसमें हम आप वोट नहीं डालते, राज्यसभा के वोट आप हम डालते नहीं है,
हम किसे डालते हैं? हम डालते हैं विधानसभा के लिए एमएलए का वोट, हम डालते हैं लोकसभा के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए, और अभी आप डाल रहे हैं नगरपालिका के लिए। ठीक, राज्यसभा के लिए वोट आप नहीं डालते हैं, इसी प्रकार से राष्ट्रपति के लिए वोट आप डालते हैं, उपराष्ट्रपति वोट आप डालते हैं, तो फिर ये इलेक्ट कहां से होके आ रहे हैं? जो वोट डल रहा है तो इलेक्ट कहां से होके आ रहे हैं? तो राज्यसभा के लिए वोट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए वोट डालते हैं। ठीक, मतलब दिल्ली में राज्यसभा के लिए इन एमपी से कितने लोग चुन के, कौन कौन चुन के जाएगा, ये तय करेंगे भोपाल के विधानसभा के विधायक, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए वोट डालते हैं इस राज्यसभा के इलेक्शन के लिए। ठीक, ये इलेक्शन क्योंकि आप वोट नहीं डालते हो, तो इस इलेक्शन को कभी कभी कुछ लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन बोल देते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट यह है कि एज जनता, मतलब अपन लोग अपने एमएलए चुन रहे हैं भोपाल के लिए, और हमारे एमएलए राज्यसभा एमपी के लिए वोट डाल रहे हैं, तो इनसे हमारा रिलेशन हो गया इनडायरेक्ट, समझे? बाकी मामले में डायरेक्ट वोट होता है, आप खुद ही वोट डालते हो डायरेक्ट और जीतते हराते हो। राज्यसभा के लिए वोट इनडायरेक्ट भी कहा जाता है, समझे? तो राज्यसभा में तो कोई कहे कि राज्यसभा के लिए एक तो हो गया 79 आर्टिकल जो कहता है कि पार्लियामेंट होगी देश की एक, और पार्लियामेंट में एक तो राष्ट्रपति होंगे, दूसरा सदन होंगे, सदन एक होगा अपर हाउस, एक होगा लोअर हाउस, अपर हाउस नाम होगा राज्यसभा, लोअर का नाम होगा लोकसभा। आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा के एमपी दो जगह से आएंगे, दो तरह से आएंगे, कुछ कुछ क्या मैक्सिमम इलेक्टेड होंगे और कुछ नॉमिनेट होंगे। ये जो इलेक्टेड होंगे इनके लिए जनता वोट डालेगी, इनके लिए विधानसभाएं वोट डालेंगी, इलेक्टेड मेंबर संख्या होगी 238। ये राज और यूटी दोनों से आएंगे। मैंने कहा कि इनके लिए वोट डालेगी विधानसभा, तो वो यूटी जिनके पास विधानसभा है वोट डालेंगी। वर्तमान में कितनी यूटी ऐसी जिनके पास विधानसभा, जिनका विधानसभा है, तो एक है दिल्ली और एक है पुदुचेरी, और अभी एक बन गई है लेकिन अभी तैयार नहीं हो पाई, जम्मू कश्मीर भी यूटी है, तो वहां की विधानसभा आएगी। तीन यूटी चुन के आएंगे भविष्य, बाकी राज्य चुन के आएंगे। अब ये जो 12 लोग हैं इनको चुनने का आधार क्या है? इनको चुनने का आधार सिंपल ये है कि ये माना गया कि पार्लियामेंट में, संसदों में जो कामकाज होगा, उस कामकाज में कुछ ऐसे लोग शामिल किए जाएंगे जिनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और वो अपने अनुभव को साइंस, लिटरेचर, आर्ट, सोशलिस्ट को हाउस के कामकाज में शामिल करेंगे, और इनके अनुभव से सदन का कामकाज बेहतर हो पाएगा। ठीक, समझे? तो ये लिटरेचर, साइंस, आर्ट, शोध, जैसे पीटी उषा आ रही हैं, होता है कि भारत में स्पोर्ट्स, फीमेल स्पोर्ट्स, वुमेन स्पोर्ट, गर्ल्स स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कुछ सुझाव दें अच्छे। इसी प्रकार से इलेया जा रहे हैं भारतीय संगीत को कैसे बढ़ाया जाए। संगीत के मामले में आप देखते हो कि आमतौर पर आरोप लगता है कि हमारा गाना चुरा लिया, इस पर हमने कॉपीराइट आदि लिया था, ऐसे सब मामलों में अपना योगदान दें मौका। ठीक, टोटल 12 लोग होते हैं, और उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स और सर्विस। अब आप कहेंगे इसमें स्पोर्ट्स तो लिखा ही नहीं है, पीटी उषा कहां से आ गई? ठीक, तो हमने जो न्यूज पढ़ी थी तो वहां लिखा था, वहां पे मेंशन था कि इन लोगों को चुना जो गया है
आर्ट्स एंड लेटर्स एंड पब्लिक सर्विस। ये इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, स्पोर्ट्स भी इसका एक पार्ट हो सकता है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया, और यदि आपने इसको ऐसे लिख लिया है दोनों आर्टिकल को तो काफ़ी काम आसान हो जाएगा। नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, क्योंकि बिना इसको लिखे आपको समझ में नहीं आएगा। आर्टिकल्स की लैंग्वेज टिपिकल है, आप उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। ये लिख लिया जिसमें लिखा है, ठीक है ना? डाउट हो तो पूछो मुझसे कहीं भी। हाँ जी, डाउट है क्या? नहीं, ठीक, आप लिखिए सबसे पहले, तो मैं आपको इसको इसी न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस में दिखा देता हूं। हो गया, चलिए पहले कुछ बातें और लिख लीजिए पीटी उषा के बारे में। पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस भी बोलते हैं। पायोली एक्सप्रेस भी बोलते हैं। पीटी उषा ने एशियन गेम्स में 11 मेडल जीते हैं और 1986 के सियोल ओवल गेम्स में 4 गोल्ड जीते थे। में लॉस एंजल्स ओलंपिक में 4th स्थान पर रही थी, मेडल्स चूक गई थी। अब देखो द हिंदू नेशनल कितना अंतर है, वो लोग केवल इन्हीं चाहों पर फोकस किए, लेकिन यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस वालों ने इस पर और डीप जानकारी दी। अब देखो ये जो मेंबर चुन के आए हैं, ये चारों लोग इस फील्ड से आए हैं, ये भी एमपी कहलाएंगे। अंतर केवल इतना है कि बाकी इलेक्ट होके आए, ये नॉमिनेट होके आ रहे हैं, लेकिन 12 लोग ही नॉमिनेट हो सकते हैं, हो नहीं सकते। तो ये तो हो गई पीटी उषा की जानकारी। सीधा एग्जाम आएगा, वो कौन सा ओलंपिक था जब पीटी उषा 4th स्थान पर रही? लॉस एंजल्स ओलंपिक्स 1984। कौन से एशियन गेम्स में पीटी उषा ने 4 गोल्ड जीते? 1986 सियोल गेम्स, सियोल साउथ कोरिया राजधानी है, सियोल गेम्स साउथ कोरिया की राजधानी है, श्योर वहां जीते। निम्नलिखित किस एक महिला खिलाड़ी को पायोली एक्सप्रेस का उपनाम भी दिया गया है? का उपनाम भी दिया गया है पायोली एक्सप्रेस, ठीक है? बाकी छोड़ दिया, काम का नहीं है।
पढ़ लीजिए आप। टोटल लिमिट इतनी है 250, आप भी अपना इस्तेमाल करें 245 लिए। इस समय हम 250 में से यूज कर रहे हैं 245 इस समय, ये मैक्सिमम लिमिट है इस समय इस्तेमाल करें। लेकिन लास्ट सवा में मैक्सिमम 250 हम लोग यूज कर रहे हैं 245 245 इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 240 इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें से कौन सी लिमिट हम कम कर रहे हैं, 238 की 12। तो 238 जो हमको मिली है इसमें से हम बेसिकली अभी यूज कर रहे हैं 233। बारह के बारह यूज कर रहे हैं। तो अभी जो इक्वेशन बन रही है, 233 + 12 मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 250। और ये जो इक्वेशन है मैक्सिमम वाली, इसका फॉर्मूला है 238 + 12। गॉट इट? ठीक। अब मन में क्या भाव आ रहा है वो पूछो आप, यदि मन में कोई डाउट हो तो खुल के पूछो। मुझसे शर्म आओगे तो कैसे काम चलेगा, मुझसे पूछो, मैं आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। पीछे मानसी बोलो, खुल के बोलो, डर क्यों रहे हो? यदि कहीं कुछ लगा है, यदि लगा कुछ समझ नहीं आया तो बोलो मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप फिर समझाओ, मेरा फर्ज है समझाना आपको। या फिर मैं आपको बुलाऊंगा, मेरा अधिकार भी आपसे पूछना, ड्यूटी राइट्स दोनों मेरे पास, आप पूछोगे तब ड्यूटी है और जब मैं पूछूंगा तब राइट है ना? समझ में आ गया? ठीक है। आपको पक्का? आपको आ गया क्या कहूँ? हाँ, आपको समझ में आ गया ना? आ जाओ। कोई इशू नहीं है, पूरा ब्रीफ करो, पूरा एकदम बिल्कुल बेसिक से। मान लो कोई क्लास में किसी कुछ आते ही नहीं है और आपको समझाना है पेन लेके, हाँ बस। नहीं आपको ये क्या राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा होती है, इन्हें कुछ नहीं पता। चलो अब आपका फर्ज है इनको बताएं कैसे क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 में ये प्रोविजन है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट होगी। इनको समझाओ, मेरे को समझ में आता है। हाँ, एक पार्लियामेंट होगी। पार्लियामेंट क्या होती है? जहाँ पे दो सदन है वो वहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हाउस होगा। हाँ? दो हाउस होंगे और एक प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और दो हाउस। दो हाउस में जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा बोलते हैं, लोअर हाउस को लोकसभा। दो यहाँ पे हाउसेज है। ठीक है, तो अभी जो आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 के वन में, आर्टिकल 80 के वन में क्या पता नहीं, पर हम ऐसा बता रहे आर्टिकल 80 के नहीं, बस तब बता कि राज्यसभा में सिर्फ पता। हाँ ठीक, चलो कोई नहीं, नहीं मैं बता रही हूँ। हाँ बताओ। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो दो दो तरीके से आते हैं, एक इलेक्टेड मेंबर्स और एक नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं उनकी तो जो जो उनकी नंबर है वो फिक्स है, 12 मेंबर्स होते हैं। और जो इलेक्टेड है उनकी लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट है वो 238 है। 238 है, तो सर ने ये जो 250 लिखा था तो 238 मैक्सिमम बताई थी, बट अभी यहाँ पे 245 लिए गए, मतलब मैक्सिमम इतनी है, पर आप अगर 245 ले सकते हो मैक्सिमम बताया। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 लिखा हुआ है, इधर ही चलिए, ऐसे ही सीखोगे आप लोग, ऐसे ही सीखोगे, इसका कोई सॉल्यूशन कोई वो नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था पॉलिटी में। आप बिलीव करोगे जब मैंने तैयारी शुरू करी थी मुझे पॉलिटी सबसे डर पॉलिटी लगता था मुझे, ठीक।
बट मेरे सीनियर इतने अच्छे थे कि मुझे जो उन्होंने पढ़ाया बढ़ाल के तो चीज़ समझाई और वो चीज़ ऐसे समझ में आ गई कि अब दिमाग को सेट हो गया आज तक। और फिर तो म्यूजिक आ गए। बस मैं भी आपको ऐसे समझा रहा हूँ, टीचिंग तो अच्छी हो गई बट ऐसे सीनियर समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो कि हमारे यहाँ आर्टिकल 79 कहता है कि एक संसद होगी, पार्लियामेंट होगी। अब पार्लियामेंट बहुत सारे काम करती है, ठीक, जैसे पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट किसी कानून में संशोधन करती है, पार्लियामेंट किसी मुद्दे पे डिस्कस करती है। अभी जुलाई में आप देखोगे पार्लियामेंट के जो हाउस होते हैं उनकी बैठक होने वाली है मानसून सेशन। कोई भी कानून जो होगा वो पार्लियामेंट से बनेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी कानून बिना पार्लियामेंट बन जाए। और पार्लियामेंट मतलब दो चीज़ होती है, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है सदन। जब ये तीनों किसी विषय पर यस 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 कर दें तो बन जाता है एक्ट, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जैसे प्रोविजन ऑफ डॉगरी एक्ट, दहेज प्रथा पे कानून। संसद कानून बनाती है। संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है एक लोकसभा होता है, और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, लोकसभा होते हैं लोअर हाउस। ये जो अपर हाउस है राज्यसभा और लोकसभा, ये जो आप देख रहे हैं पूरा सिस्टम, ये बेसिकली ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में इसी प्रकार की व्यवस्था है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बैठे संविधान बनाने तो उन्होंने इस मॉडल को ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन में जिस जगह वहां की संसद है, वहां पर हाउसेस हैं, उस जगह का नाम है वेस्टमिंस्टर, वेस्ट WST, वेस्टमिंस्टर। तो कहा जाता है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। को ब्रिटेन में जो जगह है जहां पे संसद है वहां वेस्टमिंस्टर जगह है। हाँ, ब्रिटेन से लिया गया। अब देखिए दो सदन जो है, इन दोनों सदनों में जो मेंबर्स आते हैं वो कहलाते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। यदि राज्यसभा में होंगे तो कहलाए जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, और लोकसभा में कहलाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, ठीक। अब ये जो राज्यसभा की बात हो रही है, वो समझना है कि आर्टिकल 80 में लिखा है कि राज्यसभा जो होगी इसमें जो MP होंगे मेंबर पार्लियामेंट, ये दो तरह से आएंगे, इलेक्ट होके आएंगे, नॉमिनेट होके आएंगे। इलेक्ट तरीका है कि वोट डाला जाएगा, सर्वाधिक वोट जिसको मिलेगा वो जीत के आएगा। नॉमिनेट तरीका ये है कि राष्ट्रपति किन्हीं 12 लोगों को चुन लेंगे, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, और राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं, बेसिक सरकार कहती है सब उनको 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 चुन लो ऐसे। और ये नॉमिनेट लोगों को रखने के पीछे आइडिया ये था कि हमारे समाज, हमारे देश के जो डाइवर्स फील्ड हैं उसमें जो कुछ लोग हैं जिनकी अपनी कुछ अचीवमेंट्स हैं, उन्हें भी नीति निर्माण पॉलिसी मेकिंग में जगह दी जाए बाय नॉमिनेशन। और ये नॉमिनेशन राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो सरकार के कहने पर करता है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता है। या तो बात ठीक है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 80 का ए, देखिए आप 80A, ये कहता है कि 12 से ज़्यादा नॉमिनेट नहीं होंगे तो हम 12 नॉमिनेट कर रहे हैं। लेकिन 80 का बी कहता है कि 288 आप इलेक्ट करते हैं मैक्सिमम। और ये इलेक्ट जो होते हैं ये दो जगह से आते हैं, स्टेट और UT से, और बेसिकली इनके इलेक्शन में स्टेट असेंबली भाग लेती है, और वो UT जिनके पास असेंबली होती है वही UT भाग लेती है। हमारे सारी UT पर विधानसभा नहीं है, केवल दिल्ली, पुदुचेरी और अभी जम्मू कश्मीर में है, वहाँ तीन जगह ही विधानसभा हैं। इन तीन जगहों विधानसभा है तो तीन जगहों की UT भाग लेंगे, रिमेनिंग UT के मेंबर्स इसमें नहीं आते। यदि कोई कहे कि सभी UT के मेंबर्स राज्यसभा में हैं तो नहीं, उन्हीं UT के मेंबर्स राज्यसभा मेंबर हैं जहाँ पे विधानसभा है, ठीक। चलिए तो 82 कहता है कि 238 आप मैक्सिमम लोगों को इलेक्ट कर सकते हो स्टेट एंड UT से जिनके पास विधानसभा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 80 का बी ये कहता है कि 238 आप मैक्सिमम इलेक्ट कर सकते हो उन स्टेट और UT से जिनका विधानसभा है। तो राज्यों के पास सबके पास विधानसभा है, क्या हुआ, लेकिन यूटी केवल तीन के पास विधानसभा है। विधानसभा के जो MLA होते हैं
वो राज्यसभा के लिए इलेक्शन में भाग लेते हैं। एमएलए भोपाल में, हमने एमएलए जिनको भेजा, हमने भोपाल में एमएलए जिनको भेजे, हमारे जो एमएलए होते हैं वो राज्यसभा के वोट डालते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के लिए वोट एमएलए डालते हैं, हम आप वोट डालते हैं। क्या क्या, हाँ क्या बोल रहे हैं? एमएलए जो होते हैं वो राज्यसभा के लिए वोट डालती है। एमएलए हो सकते हैं, बिना एमएलए हो सकते हैं। यदि आपकी आयु 30 साल की हो जाए, आपकी राज्यसभा के चुनाव के लिए वोट डालने इलेक्शन लेने की उद्दार है, आपको मामा जी खड़ा कर दें और भोपाल विधानसभा वोट डाल दें आपके पक्ष में, आप बन पहुंच जाओगे। क्या जब आप एमपी बनी गई तो आप काय की मेंबरशिप, मेंबर तो बनी गए ना, तही तो नाम है आपका एमपी। हाँ सीधा सभा, सीधा लोकसभा के लिए पूछेगी, सीधा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं राज्यसभा। देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के दो ही तरीके हैं, या तो आप इस हाउस के में बन जाओ या इस हाउस के बन जाओ। इस हाउस के में बनोगे तो वोट इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और ये इलेक्शन के साथ वो डायरेक्ट होगा, कोई पार्टी का वो टिकट दे देगी, 50 होगा आपका और फिर हम वोट डालेंगे, फिर आप जीत जाओगी तो आप पहुंच जाओगे लोकसभा में। कहा जाएगा कि ये इंदौर से लोकसभा के मेंबर हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ पहले सुमिता महाजन थी, अभी कौन है समय, इसमें कौन है अपने मेंबर पार्लियामेंट इंदौर से, सुधार थोड़ी है, वो तो विधायक है, बताइए है। अच्छा राहुल गांधी कौन है, एमपी एमएलए, राहुल गांधी इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, इसमें आते हैं लोकसभा, लोकसभा में इलेक्शन बोर्ड डालता है और बोर्ड डाल के इलेक्ट होकर आप आते हो, हर 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव। मोदी जी भी इसी से आते हैं, काशी से, बनारस से, राहुल गांधी भी इसी से आते हैं, एमपी है दोनों, ठीक। ये जो राज्यसभा है इसके एमपी बनने के लिए तरीका अलग है, इसमें तो डायरेक्ट इलेक्शन हो, जीत जाओ पहुंच जाओ, इसमें आपको स्टेट विधानसभा के थ्रू इलेक्ट करवा के पहुंचाया जाएगा। हम आप वोट, आप इसके लिए वोट हम डालते हैं, हम इसके लिए वोट डालते हैं, ठीक। 238 की लिमिट है, अभी हम 233 इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैक्सिमम 250 मेंबर्स बनते हैं राज्यसभा से, हम इसमें 245 बना रहे हैं। 12 जो संख्या है वो तो उतनी है, लेकिन इसमें जो हमको दिया गया है उसमें से 5 हम कम इस्तेमाल कर दिए। इस तरह से टोटल 245 हमारे पास अभी राज्यसभा के मेंबर है, होने चाहिए 250, ठीक क्लियर। 12 हमने कम किए नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन कहा है कि मैक्सिमम नॉट मोर देन, ठीक, लेकिन 12 के लिए आप देखिएगा 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, उसमें संख्या बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पे नॉट मोर देन 200 लिखा है बी वाले में, तो वहां पे 200 मतलब इससे ऊपर नहीं जाओगे, ठीक, नीचे, क्लियर। इस तरह से नियम बनाया गया ताकि समाज के हर वर्ग को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल पाए, क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर है। आगे आते हैं, हाँ नहीं वो पार्लियामेंट से नहीं आया, वो केवल एक प्रोसीजर है, पॉलिसी है, पार्लियामेंट से लॉ आते हैं, एक्ट आते हैं, ठीक, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी। आगे आइए, कोई भी नॉमिनेट मेंबर्स, देखिए कोई भी नॉमिनेट मेंबर्स जो 12 लोग हैं उन्हें शुरुआती 6 महीने के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का अधिकार है। 6 महीने के बाद करेंगे तो उनके ऊपर दल बदल लगेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा।
कोई भी नॉमिनेट मेंबर्स, कोई नॉमिनेट मेंबर किसी पार्टी से नहीं आते, लेकिन चाहे तो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं राज्यसभा, कांग्रेस बीजेपी चाहे बढ़ सकते हैं। लेकिन नॉमिनेट मेंबर्स के लिए नियम यह है कि नॉमिनेट मेंबर्स किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं पहले 6 महीनों में, पहले 6 महीनों में। पहले 6 महीनों में ठीक, यदि इसके बाद करेंगे तो इनके ऊपर दल बदल लग जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब फिर नहीं हुआ तो फिर पूछो आप, ठीक है? मानसिक मन में कुछ दुविधा लग रही है तो पूछो आप, कहीं कोई दुविधा? हाँ, सचिन भी ऐसे हुए थे, प्रेसिडेंट थ्रू नॉमिनेट हुए थे, अब नहीं है, पहले थे। हाँ, सचिन तेंदुलकर भी मेंबर पार्लियामेंट थे, रेखा भी थी, और इन लोगों के लिए आता था कि अपने फील्ड की बातों को संसद में कानून निर्माण में शामिल करवाएं, अपने फील्ड की जरूरी कानून की जरूरत बनवाए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। नहीं, जरूरी नहीं है, चाहे तो बिना पार्टी कर सकते हैं। सचिन ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, अच्छा इसमें कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 साल का टेन्योर होता है राज्यसभा का, लोकसभा का 5 साल होता है, ठीक। अंतर क्या है वो अपन और डिटेल पढ़ेंगे, राज्यसभा लोकसभा पढ़ेंगे अपन पॉलिटी में, तो और पढ़ाऊंगा वहाँ पे, अभी केवल रखो कि इस तरह से स्थिति है, ठीक है? आगे बढ़ें, आगे आइए। एक चीज और, यदि आप चाहें तो 6 महीने तक आप मंत्री बन सकते हो बिना सदनों की मेंबरशिप लिए, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको दोनों में से किसी सदन का मेंबर बनना पड़ेगा। आप समझ आया? हाँ, यदि मामा जी का मन कर रहा है या मोदी का मन कर रहा है और आपकी आयु लोकसभा मेंबर बनने के योग्य है तो 6 महीने तक मंत्री बन सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, ये नियम याद रखना, ठीक है? चलिए आगे आते हैं। देखिए, जस्टिस रोहिणी कमीशन, हेड बनाइए जस्टिस रोहिणी कमीशन, जस्टिस रोहिणी कमीशन को कल 13वां विस्तार दिया गया, 13th एक्सटेंशन दिया गया। एक कमेटी बनाई गई थी ओबीसी के लिए, उस कमेटी को और समय दिया गया है रिपोर्ट देने के लिए, 13th एक्शन दिया गया है जस्टिस रोहिणी कमीशन। जस्टिस रोहिणी कमीशन, ये कमीशन अक्टूबर 2017 में बनाया गया था अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन 340 तहत बनाया गया था। इसको काम में दिया गया था कि ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन किया जाए, ओबीसी में कुछ एक ऐसे वर्ग है जिनको बहुत अच्छा लाभ मिल गया, कुछ को मिला नहीं, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट रिजर्व फॉर देम, इस पे रिपोर्ट देने के लिए इस कमीशन बनाया गया था। कल इसको विस्तार दे दिया गया,
ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन किया जाए। देखिए ओबीसी में बहुत सारी जातियां आती हैं और सभी जातियों का इक्वल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यादव भी आते हैं इसमें और भी जातियां आती हैं, लेकिन सबका इक्वल डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ का हो गया डेवलपमेंट कुछ का नहीं हुआ। तो रोहिणी कमीशन आया गया था, इसका रिपोर्ट देनी थी कि आप सब कैटेगरी ओबीसी करो और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट रिजर्व फॉर देम पे रिपोर्ट दो। बस में आ गया, एग्जाम में आया रोहिणी कमीशन संबंध किससे है, अब एग्जाम में क्या है, टेस्ट में आएगा शनिवार को, एग्जाम तो खैर दूर है, टेस्ट शनिवार को ही है, टेस्ट में पूछ लूंगा घुमा फिरा के ओबीसी कमीशन सब कैटेगरीशन। यदि मैं आपके एग्जाम दे रहा हूँ तो गया के सब पेटेशन देखता क्या बोलते हैं, सब पेटेशन क्यों क्या होता है सब पेटेशन ऑफ ओबीसी, ठीक है क्लियर। तो इस पर रिपोर्ट देनी है, आगे आइए G20 की बैठक लद्दाख में होगी, G20 की बैठक लद्दाख में होगी। अब क्या होता है G20 जब एग्जाम में आएगा उसको पढ़ेंगे हम, अभी लिख लीजिए कि इसकी बैठक लद्दाख में होगी। G20 की अध्यक्षता भारत को 1 दिसंबर को मिल जाएगी। भारत इससे दर्ज नहीं जाएगा, G20 का ठीक। देखिए अगस्त 2019 ये वो समय था जब जम्मू कश्मीर को 2 UTs डिवाइड किया गया था। अगस्त 2019 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होने वाली है। दिस विल बी द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल मीट टू बी हेल्ड इन द फॉर्मर स्टेट, पहले राज्य था अब यूटी बन गया है। तो अगस्त 2019 के बाद जब से ये यूटी बना है राज्य से, यहाँ पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने वाली है। नहीं समझ में आया, पानी पी लो, नींद आ रही है, पानी पी लो, ठीक है चलो पकड़ में आता है मुझे। अब कैमरा लग गया तो हमें भी बैठनी मजबूरी, यहीं पे नहीं तो मैं जाके बोतल दिया था, पहले मैं ये कहता था जो अच्छा सुहा था बोले बोतल ही कहता था क्लास का से, ठीक। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट मिलिट्री मीट टू बी हेल्ड इन द फॉर्मर स्टेट, पहले राज्य था अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर को सरकार ने 2 UTs में कन्वर्ट किया है, जम्मू 1 लद्दाख 1, समझ गए। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों एक ही था, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर ही तीनों आते थे, एक था। आ गई है G20 दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, क्योंकि बैठक इंडिया में होने वाली है तो G20 के मेंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे, आपकी मजबूती है। मेंबर्स लिख लीजिए G20 कौन कौन से हैं, US, UK, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ठीक। US, UK, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईसाई तैयार करिएगा, शनिवार टेस्ट में पूछूंगा मैं।
इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, सऊदी साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की। ये इसके इसकी बैठक इंडिया में होगी, G20 नेशंस की मीट होगी इंडिया में लद्दाख में दिसंबर 1 दिसंबर से इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल जाएगी, अगले साल होगी 1 दिसंबर से इंडिया इसका प्रेसिडेंट बन जाएगा, जो प्रेसिडेंट होता है उसका बैठक होती है, तो इंडिया में 2023 में होगी। कल परसों में इसमें ऑल डे आएगी, G20 क्या है, कब बना है, कैसे, तो वो तब लिख लेंगे, अभी अपन ज़्यादा दिमाग ही घुमाएंगे, अभी तक केवल लिख लेते हैं G20 की बैठक होगी, और G20 में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ आज घर पे जाके यदि दीवार पे मैप लगाओ तो टेम्पररी मार्कर से उस पर G20 लिख देना हर जगह जिन जिन देशों पर लिखा है, ताकि याद हुआ G20 का देश कौन कौन से हैं। और याद करना है कॉन्टिनेंट वाइज, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से कौन कौन है, तो अमेरिका कॉन्टिनेंट से अमेरिका भी है और कनाडा भी है और मैक्सिको भी है, फिर चले जाओ लैटिन अमेरिका पे, लैटिन अमेरिका में कौन कौन है, फिर चले जाओ यूरोप में कौन कौन है, फिर चले जाओ एशिया में कौन कौन है, अफ्रीका में एक भी नहीं है, अफ्रीका में तो गरीब देश है, और G20 मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज है। हाँ गुड, वही मैं चाहता कि कोई सुनने सब लोग सो रहे हैं, साउथ अफ्रीका, वेरी गुड, ये ना बात, अफ्रीका से एकमात्र साउथ अफ्रीका, ठीक, बाकी लोग सब हाँ ना हाँ मिला देते। नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, देखो लिख लिया, लिख लिया, चलिए आगे बढ़े, आगे आते हैं, लेकिन आसाम सरकार ने, असम सरकार ने पांच असमी मुस्लिम सब ग्रुप को इंडिजीनस असम मुस्लिम कम्युनिटी डिक्लेयर कर दिया। कल असम सरकार ने पांच असमी मुस्लिम सब ग्रुप को इंडिजीनस असमी मुस्लिम कम्युनिटी डिक्लेयर कर दिया। जिनमें से एक है गोदियास, मोदियास, जुलास, देसिस, सईद्स, सईद्स, पहले लिखो समझाता हूं फिर क्या है। असम सरकार ने पांच असलिम असम मुस्लिम सब ग्रुप गोदियास, मोदियास, जुलाहास, देसिस, सईद को स्वदेशी इंडिजीनस असमीस मुस्लिम कंपनी डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर कर दिया है। बेसिकली जो आसाम है बांग्लादेश के पास पड़ता है, बांग्लादेश से बड़ी संख्या में आसाम में लोग घुसपैठ करते हैं। आसाम का कहना यह है कि जो नॉन असमीस हैं इनके आने से हमारे यहाँ का जो डेमोग्राफिक पैटर्न है वो बिगड़ गया है, और असम के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में बांग्लादेशी आ गए हैं, इसके कारण से आसाम के लोगों को दिक्कत हो रही है। तो असम की सरकार चाहती है कि कुछ ऐसे असमीस या कुछ ऐसे बंगाली बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो यहाँ के बसे, उन्हें वापस बंगाल भेजा जाए, तो इसके लिए बात चल रही है। तो इसी बीच उन्होंने ये कहा है कि कुछ ऐसे मुस्लिम
लोग भी हैं जो आसाम के खुद के लोग हैं, स्वदेशी हैं, और ऐसे 5 मुस्लिम समुदायों का उन्होंने इंडिजीनस आसामी मुस्लिम समुदाय घोषित किया है। कहा गया है कि हमारे घर के ही है, बाकी जो बांग्लादेशी हैं। ठीक, क्लियर। इनको बांग्लादेशी से अलग घोषित माना गया है, समझे, ताकि बांग्लादेशी से इनको अलग दिखाया जा सके। बांग्लादेश से जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं, यदि आप असम की लोकेशन देखोगे, यह है बांग्लादेश, यहां से अवैध घुसपैठ समस्या होती है आपके। ये जो पूरा आपको रंग बिरंगा दिख रहा है, ये पूरा असम है। आसाम 2 जज होता है बांग्लादेश को, यहाँ पे और यहाँ पे। इन दोनों ही जगह से आसाम में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की समस्या, इलीगल बांग्लादेशी। ठीक है, क्लियर। तो ये जो 5 समुदाय हैं, इनको असम की सरकार ने कहा है कि ये हैं तो मुस्लिम, लेकिन ये हमारे देश, हमारे खुद के असम के ही हैं, ये बांग्लादेश से नहीं आए, इनको अलग दिखाने के लिए। ठीक, ताकि बाकी को, बाकी बांग्लादेशियों को इनसे अलग दिखाया जाए। अब फिर प्रो न्यूज़ का कहती है, बंगालियों से इनको अलग दिखाने के लिए। एक जमाने में पाकिस्तान को दोस्त से मिले थे, बांग्लादेश को बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से, है ना। ठीक है, पढ़ लीजिए ये लाइन। गोदियास मोदियास बेसिस, क्लियर। हिस्टोरिकल रिलेशन दिखा रहे हैं लोग अपना आसाम से, ताकि इनको वापस बांग्लादेश ना भेजा जाए। बात समझ में आ गई। इस पर कल परसों में इन स्पेस पे और द एसपीएम पेज पे आएगा, कैसे आए, क्या आए, क्या था रिलेशन। लेकिन 5 समुदाय को घोषित किया गया है मूल आसामी मुस्लिम लोग। ठीक है, ये स्पेन में हर साल बुल रेस होती है, बुल जो होते हैं उनको दिखाते हैं लाल कपड़ा, फिर उन पर हमला करते हैं, लोग दौड़ते हैं उसके आगे आगे। तो ये 2-3 साल से बंद थी, वापस से कोविड के बाद स्टार्ट हुई है। इसको बोलते हैं सैन फेरमिन बुल रनिंग फेस्टिवल। स्पेन में होता है ये।
कल मैंने बोला था कि एक क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस पर जरूरी कुछ द हिंदू में एंड एक्सप्रेस में आएगा न्यूज, तो आज आ गया है। हेडिंग रही है क्रिटिकल मिनरल्स, याद है कुछ दो चार दिन पहले न्यूज पढ़ाई थी, मैंने कहा भी था कि आएगा पक्का इंडियन एक्सप्रेस में, ये आ गया आज क्रिटिकल मिनरल्स। हेडिंग नहीं है क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स क्या हो गया इसको, ब्लर हो गया इसको, शायद टाइम लेगा। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स को लेके क्या हुआ है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बीच में एग्रीमेंट हुआ है टू स्ट्रेंथन देयर पार्टनरशिप इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। भारत ऑस्ट्रेलिया बीच में एग्रीमेंट हुआ है और जहां तक मेरा मानना है साइंस टेक का पक्का ही आएगा क्रिटिकल मिनरल्स, प्रीलिम्स में भी आएगा क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया बीच में एग्रीमेंट हुआ है। In the field of projects and supply chains for critical minerals. PSC में सिंपल क्वेश्चन की भारत का एग्रीमेंट के साथ हुआ तो ऑस्ट्रेलिया साथ, UPSC में डिफरेंट क्वेश्चन आएगा क्रिटिकल मिनरल्स क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं और क्रिटिकल मिनरल्स का यूज कायम होता है। ठीक, देखिए क्रिटिकल मिनरल्स आर एलिमेंट्स दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ असेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज। आधुनिक दिन में जो मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गए, कंप्यूटर हो गए, बैटरी हो गई, इन सब में जो मिनरल्स यूज होते हैं उनको बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। और ये मिनरल्स ऐसे हैं जिनमें आमतौर पर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, कभी भी ऐसा होता है कि इनकी सप्लाई बाधित हो सकती है, आर एट रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, क्रिटिकल चे मिनरल्स। एप्लीकेशन कहां कहां पे लिख लीजिएगा, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर टू बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज लाइक सोलर पैनल, विंड टर्बाइन एक्सेट्रा, ये वो चीज़ें जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स का यूज होता है जिसके लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट हुआ है। एग्जाम में आएगा क्रिटिकल मिनरल्स का यूज कहाँ होता है,
ठीक है, भिन्न भिन्न देश कैटगम इंडेक्स की अपनी अपनी लिस्ट बनाते हैं, जैसे मोस्टली ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, मोस्टली इंक्लूड ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, जिनका इस्तेमाल ईवी बैटरीज में होता है, उसको रखते हैं अधिकांश देश। दिक्कत है, अच्छा आर्टिकल है ये लिखना जो साइंस एंड टेक में आएगा, खुल जाएगा पूरा ब्लॉग होगा, ठीक है। इसी प्रकार से रे अर्थ लिखिए, रे अर्थ, रे अर्थ, इसी प्रकार से रे अर्थ, जैसे रे अर्थ मिनरल्स, जैसे ये तो हो गया आपका किटगम मिनरल्स भी एक, इसी प्रकार से रे अर्थ, जैसे मैग्नेट और सिलिकॉन के वो बनाने यूज किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर चिप और सोलर पैनल्स में। रे अर्थ आदि आदि, रे अर्थ यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स एंड सिलिकॉन, क्या हो गया इसको,
चलिए 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, शुरू करते हैं ना, ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, फिर शुरू करते हैं, तब तक शायद ये प्रोसेस हो जाए शायद ना। पाँच में छोड़ देते हैं, अपने आप आ जाएगा, अब तो ब्लर हो रहा है।
पूरी दुनिया के जो देश हैं वो क्लीन एनर्जी और डिजिटल एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के देश क्लीन और डिजिटल इकोनॉमिकली काम कर रहे हैं, और यदि अचीव करना है तो ये जो क्रिटिकल रिसोर्सेस हैं ये जरूरी हैं। पूरी दुनिया भर के देश क्लीन और डिजिटल इकोनॉमी काम कर रहे हैं, और ये दोनों चीज़ों को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्रिटिकल रिसोर्सेज मिलते हैं देशों को। ठीक, कोई भी सप्लाई शॉक यदि होता है, यदि इन चीज़ों की आपूर्ति बाधित होती है, नहीं मिल पाते हैं, इकोनॉमी को नुकसान होगा। इकोनॉमी को नुकसान होगा और इकोनॉमी जो है नुकसान में आएंगे, इसलिए उनको बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स। सप्लाई शॉर्ट होने का कारण यह है कि सप्लाई रिस्क इनकी बहुत ज़्यादा है। सप्लाई ज़्यादा इसलिए क्योंकि रेयर एबिलिटी है इनकी, ग्रोइंग डिमांड्स हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग है। ये है सप्लाई रिस्क। कुल मिला के ये जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं ये दुनिया के डिजिटल और क्लीन इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो ये चीज़ें बाधित होंगी। समझिए, थोड़ा सा नयापन लगा हुआ पढ़ने में, लेकिन ये सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्रिटिकलिटी क्या है इसके अंदर। यही है इनका क्रिटिकल होना कि इनकी नीड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई रिस्क बहुत ज़्यादा है इनकी, और सप्लाई रिस्क की बाधा होती है तो पूरी इकोनॉमी जो है वो नुकसान में आ जाएगी। नुकसान में आ जाएगी। इसलिए बोला गया क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक, तो वर्ल्ड ट्रांजिशन जो हो रहा है उसके सामने जो इन मिनरल्स की सप्लाई है यही इनको क्रिटिकल बना देती है। ठीक है ना, जिस तरह ग्लोबल इकोनॉमी में चेंज आएगा इनकी डिमांड बढ़ेगी, तो यही चीज इनको क्रिटिकल बना देती है। चाइना दुनिया में 16 बड़े या 16 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रिटिकल मिनरल्स का। 16 क्रिटिकल मिनरल्स का चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है।
16 क्रिटिकल मिनरल्स चाइना एक बड़ा प्रोड्यूसर है। चाइना इस अपनी इस क्षमता का महसूस करता के बाद और अपने डिस्प्यूट्स के मामले में सप्लाई रोक देता है दुनिया देशों की। 2010 में चाइना ने ये किया जापान के साथ, सीमा विवाद था, टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, लेकिन उसने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को रोक दिया। यही एक बड़ी चिंता का विषय है कि दुनिया के देश इसको थ्रेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे दूसरे देशों के खिलाफ, स्पेशली जो प्रोड्यूसर है वो। उसको महसूस करेंगे। दो 21 में अमेरिका ने इसकी वल्नरेबिलिटी से जांच के लिए शुरुआत करी कि भाई ये वल्नरेबल ना हो जाए, कभी ऐसी दिक्कत ना बढ़ जाए। तो अमेरिका का ये मानना है दिक्कत होती रही, पता नहीं क्या होगा इसको, कंटेंट भी इतना नहीं है। फिर भी तो अमेरिका मानना था कि ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन सोर्सेस चिंता का विषय है। और ये थ्रेट है, लगातार अमेरिका खुद अपने डोमेस्टिक माइनिंग वर्क्स पे ध्यान दे रहा है। यह अमेरिका का रेस्पॉन्स है इस समस्या के सामने। इंडिया ने इससे निपटने के लिए काबिल की स्थापना करी है। काबिल का मतलब है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये तीन सरकार की कंपनियों का जॉइंट वेंचर है, सरकारी कंपनी का जॉइंट वेंचर है। इस काबिल का उद्देश्य है कि देश में क्रिटिकल और स्ट्रेटजिक मिनरल्स की कॉन्स्टेंट सप्लाई हो डोमेस्टिक मार्केट में, चाहे देश के अंदर से हो चाहे बाहर से हो, चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से बाहर से इंपोर्ट किया जाए। तो अमेरिका तो कर रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अपन लोगों ने काबिल बना लिया है। काबिल एक कंपनी है, तीन सरकारी कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। काबिल का उद्देश्य है क्रिटिकल स्ट्रेटजिक मिनरल्स की इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई। सप्लाई ठीक, और इसी तरह अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एग्रीमेंट किया, काबिल ने एग्रीमेंट किया इंडिया की तरफ से। काबिल है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। यूके ने अपने यहां, ब्रिटेन में अपने यहां क्रिटिकल मिनरल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना करी है, ताकि भविष्य में इनकी डिमांड और सप्लाई को वो फुलफिल कर पाए। लास्ट ईयर यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिकल
मिंदल डिपॉइट के लिए एक इंटरेक्टिव मैप बनाया लॉन्च किया है। तो ये कुछ प्रयास चल रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को स्मूथ करने के लिए। ब्रिटेन ने क्रिटिकल मिनरल इंटेलिजेंस सेंटर बनाया अपना। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक इंटरेक्टिव मैप लॉन्च किया है। तो सभी देश कुछ ना कुछ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई को स्मूथ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इंडिया ने इसी तरह का एग्रीमेंट किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, क्लियर है। आज बहुत परेशान कर रहा है सिस्टम, फिर ब्लर हो गया। पढ़ाई कैसे हो? आज इसको यहीं रोक दें क्या, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें आ रही मुझे, ब्लर भी बहुत हो रहा है। अभी एनसाइड पढ़ाऊंगा तो और दिक्कत आएगी फिर, तो एक बार पहले थोड़ा सा इसको सिस्टम सही कर लेता हूँ, फिर इसको कल कर लेंगे। बाकी मैंने मार्क कर ही दिया है, तो एक मैं काम करता हूँ, इसका वॉइस नोट बना के मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप पर अभी, तो वो सुन के आप मेन मेन न्यूज़ तो नोट कर ही लो ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। और एनसीईआरटी मैंने पढ़ ली थी, चैप्टर जो था आपका ये वाला क्या नाम है, 10th कानून और सामाजिक न्याय, बढ़िया कि बार बार ब्लर करेगा दिक्कत आएगी मुझे, तो इसको फिर रोकना पड़ेगा आज। कल इसके आगे स्टार्ट करते हैं, है ना, कि इसको पढ़ लें कानून समझ न्याय, शायद ये चल रहा है इतना तो, है ना, एनसीईआरटी कर लें, कोई इसमें दिक्कत नहीं आई, न्यूज़ पर दिक्कत आ रही है, ठीक, टाइम को वेस्ट करें ताकि एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी आज अपनी 8th क्लास की, कल से 9th पे काम शुरू करेंगे। 8th के पूरी पढ़ ली आप लोगों ने, मैं सब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ते आ रहे हो। चलिए, आज का चैप्टर है कानून सामाजिक, एनसीईआरटी निकाल लीजिए, दी है तो खरीदी नहीं अभी तक, क्यों जिस भी दिन एनसीईआरटी यूपीएससी से क्वेश्चन आएगा इसमें से 15 नंबर समझ में आएगा, ठीक। नहीं बुक्स तो होनी चाहिए, आप मेरे कमरे में देखो कितनी बुक्स हैं, वही तो मेरी आदत चोरी हो गई, बच्चे ले गए तो बहुत सारी बुक्स मेरे पास, हाँ पढ़ने के लेके चले गए, लौट के नहीं आए, मार्क करी थी काम हो गया। बुक्स होनी चाहिए, बुक्स नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। एनसीईआरटी का नोट्स, एनसीईआरटी अपने आप में नोट्स है, कोई बुक जो होती है वो एक आइटम लगता है, एनसीईआरटी के चैप्टर तीन चार चार लोग मिलकर लिखते हैं, पता है आपको, इससे ज़्यादा आपको ऑथेंटिसिटी मिलेगी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट है। कल को कोई फैक्ट या कोई क्वेश्चन डाउट होता है कि यहाँ पे ये क्या लिखा है, एनसीईआरटी को ही बेस नहीं आता है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ठीक, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए अपन को। ये चैप्टर जो है ये कहता है कि कानून और सामाजिक न्याय, लॉ
एंड सोशल जस्टिस। ठीक, ये कहता है कि हमारे समाज में कई प्रकार के शोषण की संभावना है जो लोगों के साथ होती है, शोषण, और लोगों को यदि शोषण से बचाना है तो हमें उसके लिए कानून चाहिए। शोषण जरूरी नहीं मजदूर का हो, उपभोक्ता का भी उस्ता है जो कंज्यूमर है, उत्पादक जो प्रोड्यूसर है उसका भी उस्ता है, तो शोषण किसी का उस्ता है। ठीक, सरकार इन शोषण को रोकने के लिए कानून बनाती है, स्टार्टिंग की गई वो कर दी गई मिनिमम वेजेस एक्ट। हमारे यहाँ जो मजदूर हैं उनके पास भुगतान मेहनताना एक बड़ी समस्या है। निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोगों का शोषण करते हैं और कई बार मजदूरों को हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। लेकिन ये जो मेहनताना नहीं देते हैं ये बेसिकली इसकी सरकार ने कानून बनाया, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया है, और ये डिक्लेयर कर दिया है कि यदि किसी को मजदूर को मेहनताना नहीं दिया जाएगा तो कानून निगाह में ये गैर कानूनी या गलत है। ठीक, सरकार ने मिनिमम वेजेस के लिए कानून बनाया है कितना मेहनताना मिलना चाहिए, और न्यूनतम जो मिनिमम वेजेस है इसका एक्ट है। देखिए आपके आंसर लिखा हुआ मिनिमम वेजेस, मिल गया कीवर्ड। लेकिन मिनिमम वेजेस आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं है, मजदूरों को कि इतनी मिलनी चाहिए हमको, मोल भाव करते हैं वो, मोल भाव में जो भी मालिक तय कर दे उतनी ही उनको पैसा मिल पाता है। नियम ये भी है कि जो न्यूनतम मजदूरी है मिनिमम वेजेस है इसमें हर साल महंगाई के अकॉर्डिंग कुछ इंक्रीमेंट भी किया जाएगा, लेकिन ना तो लोगों को न्यूनतम मजदूरी की जानकारी है ना इंक्रीमेंट को लेकर कोई जानकारी है। जो भी भाव तय हो जाता है मूल भाव में उसी भाव में आदमी काम करता है। यहाँ पर आगे देखिए, ठीक, ये तो हो गई एक बात न्यूनतम वेजेस की। बाजार में जो उत्पादक होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं इनके हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। कोई शोषण किसे होता है, आपको सामान ले गए, आपको एक्सपायरी डेट का वो माल बेच दिया तो आप कहाँ जाएंगे, कंज्यूमर प्रश्न जाएंगे। आप प्रोड्यूसर हैं, ठीक, आपके साथ कुछ अन्याय हुआ तो वो आप कहाँ जाएंगे। तो सभी के लिए हमने कानून बनाए हैं ताकि शोषण ना हो, ना मजदूर का, ना कंज्यूमर का, ना उपभोक्ता का। आगे उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पे कुछ कानून दिए हैं, फिर वही दिक्कत से हो गई। कानून एक है न्यूनतम वेजेस, ये मजदूर के हित में है। दूसरा है जहां भी कोई काम करते हैं मजदूर वहां पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए, फायर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, कोई भी गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए अलार्म होना चाहिए आदि। इसी प्रकार से कानून है चीजों की गुणवत्ता क्वालिटी को तय करने का। जैसे आपने कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खरीदा उसकी क्वालिटी कैसी है, करंट वेंट तो नहीं आता उसके अंदर, भोजन दवाई आदि इनकी गुणवत्ता कैसी है, ये उपभोक्ता के हित में है। ठीक, इसी प्रकार से कुछ चीज़ें होती हैं उनके दामों में सरकार कंट्रोल करती है ताकि गरीबों को चीज़ें मिल पाएँ। आप देखें महंगाई बढ़ती है तो सरकार असेंशियल कमोडिटी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को ये कहती है कि ये चीज़ें जो है ये मार्केट में होर्डिंग नहीं होंगी, इनको लोग इकट्ठा नहीं करेंगे ताकि जो दाम ना बढ़े नहीं। इसी प्रकार से बाल मजदूर रोकने के लिए कानून बनाया गया है। इसी प्रकार से कानून है कि यदि कोई यूनियन है वो चाहे तो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। तो सरकार ने कई प्रकार के कानून बनाए हैं जिसमें मजदूर, उपभोक्ता, उत्पादक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, लेबर आदि के इंटरेस्ट को हमने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। ठीक, बस ये बात इस चार्ट में समझाई गई है। आगे आते हैं, कोई कानून बना देने ही काफी नहीं होता, सरकार को ये भी इंश्योर करना होता है कि कानून लागू भी हो। ठीक, सरकार ने कह दिया मिनिमम वेजेस एक्ट,
सरकार ने कह दिया कि होटलों में फैक्ट्रियों में बच्चे काम नहीं करेंगे, लेकिन यदि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है तो वो लोग बच्चों को काम पे लगा देंगे, वो पता है कि बच्चा कम पैसे मान जाएगा। इसी प्रकार से खतरनाक काम है उनमें बिना कोई सेफ्टी काम करेंगे, क्योंकि वो पता है कि सेफ्टी कम करेंगे तो कॉस्ट कम रहेगी, कॉस्ट कम रहेगी तो हमारा जो प्रोडक्ट है सस्ता भी क्या, उसको तो लालच चाहिए, लेकिन उसके लालच में कई सारे मजदूर मर सकते हैं। तो कानून होना बहुत जरूरी है, कानून होने के बाद उसका लागू होना बहुत जरूरी है। लिखा है कि ऐसी स्थिति में कानून होना लागू होना बहुत जरूरी है, जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण है। ठीक, समझे, ताकत मतलब लोग, ऐसे लोग जो कि संपन्न हैं, जैसे फैक्ट्री मालिक है, ताकतवर है, लेकिन जो मजदूर है वीक है। अब उस मजदूर की प्रोटेक्शन के लिए जब कानून लेके आए हैं तो केवल कानून बनाने से फायदा नहीं हुआ जब तक कि उस मजदूर के लिए जो लाए गए कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर ना हो। ठीक, ये बात से बोली गई है। आगे लिखा है, इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने की सरकार व्यक्तियों और निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है, ठीक, ताकि सामाजिक न्याय एंश्योर हो सके। लिखा है कि इनमें से बहुत सारे कानून हैं संविधान में भी, शोषण से मुक्ति का अधिकार हमारा संविधान में दिया गया है। इसमें कहा गया किसी को भी कम मेहनताने पर काम करने या बंधुआ मजदूर बॉन्डेड लेबर के रूप में काम करने मजबूर नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि कोई काम करवा लिया और पैसा मांगने आया तो उससे पिटाई लगा दी, बेगार। ये टर्म क्या है, बेगार। कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि बेगार का आना प्रतिबंधित है, बेगार नहीं कर सकते। बेगार मतलब बिना काम के, काम के काम करने में बिना पैसे दिए काम करवाना, बिना पैसे काम करवाना, इसको बोलते हैं बेगार। ठीक, संविधान में ये भी कहा गया है कि 14 साल से कम बच्चों को किसी कारखाने या खदाने किसी अन्य काम में लग जाएगा। तो आर्टिकल कहता है कि हमने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कई प्रकार के मैकेनिज्म बनाए हैं, स्पेशली हमने कॉन्स्टिट्यूशन माध्यम से कई अधिकार आदि भी, कई राइट्स आदि भी तय किए हैं। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक, दरगाह की जनगणना के मुताबिक, आज भी बच्चे, इतने सारे बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर काम में लगे हुए हैं। सरकार ने बाल श्रम प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड अधिनियम 1986 पास किया है और इसमें प्रावधान कर दिया है कि 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को सभी व्यवसाय में, किसी भी काम में नहीं, और किशोर मतलब 14-18 वर्ष बच्चों को जोखिम कार्यों में नहीं रखा जाएगा। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। ठीक, संज्ञेय अपराध, पुलिस खुद ही जानकारी लगाएगी, कुछ शिकायत नहीं करेगा तब भी वहां पे छापा मार के गिरफ्तार कर लेगी। ठीक, समझे, यह समझ आ गई। तो ये सीएससी में क्वेश्चन पूछूंगा इस टेस्ट में कि 2016 में जो अमेंडमेंट किया गया 1986 एक्ट में, वो क्या क्या किया गया। पहले ये था 5 से 14 साल के बच्चों को विभिन्न व्यवसाय नौकरी नहीं की जाएगी, लेकिन अब ये कह दिया गया कि 1 से 14 कहीं नहीं करेंगे, 14-18 करेंगे, लेकिन जोखिमपुर में नहीं करेंगे, ये अमेंडमेंट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भोपाल गैस कांड जो हुआ था उसकी पूरी स्टोरी दी हुई है, कैसे जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी अमेरिका की, उसका एक प्लांट अमेरिका में था, एक इंडिया में था, लेकिन अमेरिका में जो प्लांट था उसमें बहुत सी कंडीशन अप्लाई थी, बाकायदा मजदूरों के लिए घर, स्वच्छता, सेफ्टी आदि थी, लेकिन इंडिया में नहीं थी क्योंकि इंडिया गरीब देश था। तो उन्होंने अपने यहाँ फैक्ट्री खोल दी भोपाल में, उस सिटी के अंदर खोल दी, ध्यान नहीं रखा, गैस लीक हुई और इस प्रकार लोग रात को लोगों को दिक्कतें हुई, खांसी, उल्टी वगैरह, और सुबह इस प्रकार लोगों की सामूहिक अंतिम संस्कार किए गए, एनसीटी में लिखा हुआ है। आज भी उस गैस के कारण हिसाब से इस प्रकार के बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनमें कई प्रकार की विकृतियाँ हैं, कई प्रकार की उनके अंदर कमियां हैं। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक, कंपनी अपनी गलती नहीं मानी, फाइनली कंपनी कुछ मुआवजा दे के वहाँ से भाग गई। ठीक, आज भी इस कारखाने में कंपनी का कचरा रखा हुआ है जो लगातार इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कर रहा है।
ठीक ये पूरी कहानी इसमें दी गई है, कौन मालिक था, क्या था, एक मजदूर की कीमत क्या होती है, इस पूरी कहानी को इन्होंने समझाया है यूनियन कार्बाइड भोपाल से कि मजदूर काम करता है और आमतौर पर विदेशी कंपनी इंडिया इसलिए आती है क्योंकि इंडिया में सस्ता श्रम है, और दूसरा यह है कि सस्ता श्रम होने के कारण भारत में मजदूर काम आदि के मामले में भी ब्रिटेन या यूरोप तुलना में ज़्यादा कंडीशन रखता नहीं है। ठीक, पढ़ लीजिए लास्ट लाइन, क्यों कंपनियां भारत में आती हैं ज़्यादा, इसके अलावा उनकी भारत में लागत भी कम आती है क्योंकि भारत में उन्हें सेफ्टी के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना ही पड़ता है। ठीक, क्लियर। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी अमेरिका की जो भोपाल में थी, वहाँ और यहाँ में दोनों में जमीन आसमान अंतर लिखा हुआ है। ठीक, पढ़ लीजिए। वहाँ की फैक्ट्री में, वहाँ के प्लांट में कंप्यूटराइज्ड अलार्म सिस्टम, वार्निंग सिस्टम, मोटी सिस्टम, इस तरह की निगलिजेंस अपनाई गई। भारत में जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि एक लेबर यदि हटती भी दूसरी लेबर आती है, इसलिए लेबरों की बात कंपनी सुनती नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इसी कमजोरी फायदा उठा के फैक्ट्री मालिक सेफ्टी मेजर्स पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, बाद में कानून थे ही नहीं, कानून जो थे वो ढीले थे, उसका फायदा उठाया यूनियन कार्बाइड ने, घनी आबादी में फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ, लीक हुआ, लोग मर गए। ठीक, उदाहरण दिया कि भारत में सरकार भी कानून तो बना दिया लेकिन सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, सबने इग्नोरेंस दिखाई। ठीक, यहाँ एक उदाहरण दिया है कि एक ट्रेवल एजेंसी से गलती हो गई, टूरिस्टों को घुमाने ले गए थे वो यूरोप पे, यूरोप के देशों में, तो कंपनी केवल लोगों को डिज्नीलैंड दिखा नहीं पाई और पैलेस में लोग खरीद शॉपिंग नहीं कर पाए, तो कंपनी के ऊपर 800,000 रुपये का फाइन लग गया और हमारे यहाँ लोग मर गए, कोई दिखना भी नहीं है। ठीक, ये स्थिति रही रिपोर्ट इसमें कि ये स्थिति है इंडिया की। मिलेगा, तो भारत में मजदूरों की जीवन की कीमत नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बनाया गया 1984 में, जब यूनियन कार्बाइड घोटाला हुआ भोपाल, कांड हुआ भोपाल में, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद 84 के बाद पर्यावरण के लिए कानून बनाना शुरू हुए। पहले पर्यावरण को हम एक मुफ्त चीज समझते थे, लेकिन जब कंपनियों ने हमारे इन्वायरमेंट का मिसयूज किया कानून का, तो हमने फिर अपने यहाँ कानून बनाना शुरू किए। ठीक, लिखा है कि आज भी लोग इतने परेशान हैं भोपाल में कि जिन हैंडपम्प पे उन्होंने कलर कर दिया रेड कलर का कि आप इसको मत यूज़ करिए क्योंकि इसके अंदर नीचे टॉक्सिक आ रहे हैं, गैस जो लीक हुई थी गैस के बाद के, लेकिन लोग आज ही उसी का पानी पी रहे हैं। रेड कलर कर दिया फिर भी लोग उसको यूज़ छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि लोगों के पास सोर्स नहीं है पानी का दूसरा, तो वो इसे यूज़ कर रहे हैं। ये सती है मजदूरी के देश में। 1984 के कांड के बाद बहुत सारे कानून बनाए गए दबाव मिला के, लेकिन इसको अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया सका है। कई लोग बोलते हैं कि इन कानूनों से देश के विकास को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य यूनाइटेड मामले में यह कहा कि जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, एक फंडामेंटल राइट है और इसके अंदर पॉल्यूशन फ्री एयर और पानी का अधिकार भी शामिल है। एग्जाम में सीधा आएगा कौन सा फैसला था जिसमें कहा गया। सीधे मार्क करिए सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। ठीक है, बनाम बिहार राज्य। एसडीजी गोल जो हम पढ़ते हैं उसमें एसडीजी गोल नंबर 9 है,
जो कहता है कि उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं पे काम किया जाए, ऐसा उद्योग बनाया जाए जिसमें मजदूरों का भी शोषण ना हो और इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। ठीक, समझ में आया? बिल्ड द साइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्राइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन, ये बात करी गई है। लास्ट है कि जन सुविधाओं के लिए के रूप में पर्यावरण, पर्यावरण भी एक प्रकार की पब्लिक फैसिलिटीज है, सरकार को देना आवश्यक है। एक ज़माने में दिल्ली के अंदर पहले गाड़ी चलती थी, मेट्रो लाई गई ताकि प्रदूषण की समस्या दूर की जाती। दिल्ली में फैक्ट्रियाँ लगी थी, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था, तो फैक्ट्रियों को दिल्ली से बाहर शिफ्ट किया गया। आर्टिकल कहता है कि जैसे ही किया गया जन सुविधा के रूप में, इससे नुकसान ही हुआ कि वो लोग जो मजदूर फैक्ट्री के पास थे उनको भी शहर से बाहर शिफ्ट होना पड़ा। लिखा है कि एक रिसर्च के मुताबिक मिडिल क्लास पर्यावरण की चिंता तो करता है लेकिन वो अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में रखता। लोगों को माइग्रेट शिफ्ट कर देते हैं शहर से बाहर, लेकिन उससे मजदूर भी शिफ्ट जाते हैं फैक्ट्री के साथ। चुनौती ये है कि क्लीन इन्वायरमेंट सबको मिले बजाय फैक्ट्रियों शिफ्ट करने के, फैक्ट्रियों को क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। फैक्ट्रियों को, ऐसी फैक्ट्रियाँ जो कि वॉयलेशन करती हैं कानून का, उन पर कार्रवाई की जाए। यहाँ पे दिल्ली के बारे में दिया गया है, दिल्ली में सीएनजी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में फैसला दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था डीजल से। लास्ट में निष्कर्ष, आर्टिकल कहता है कि चाहे बाजार हो चाहे दफ्तर हो चाहे कारखाना हो, शोषण बचाने के लिए कानून बहुत जरूरी है। सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि निजी कंपनियों के गलत तरीकों को रोके, लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करे। यदि किसी के साथ शोषण, जैसे भोपाल में गैस से लोग मरे तो उनको राहत मिले, पैसा मिले, सोशल जस्टिस दिया जाए लोगों को, उन पर निगरानी करे। मतलब कानून बनाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं, कानून को लागू करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। लास्ट में कहता है कि दिशा में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनी और सरकार दोनों समाज के हित में काम करने के लिए प्रेरित करें, बाध्य करें। पर्यावरण के मामले में लोगों को भी आगे आना होगा। ठीक, इसी प्रकार मजदूर के मामले में अभी स्थिति बहुत गंभीर है। हमें मजदूर का कानून बनाना पड़ेगा ताकि जीवन का अधिकार सबको मिल सके। ये कुछ कीवर्ड्स बोले गए हैं इसमें। ठीक है, चैप्टर एनसीडी खत्म। आपकी शनिवार, मतलब कल शनिवार है ना, परसों ना, परसों आपका टेस्ट होगा। ठीक है ना, कंप्लीट एनसीईआरटी और प्लस करंट अफेयर्स, नहीं केवल 8th क्लास के एनसीईआरटी 1 to 10 चैप्टर और प्लस आपका करंट अफेयर्स। जो मैंने पढ़ाया है वो ही पूछूंगा, जो मैंने नहीं पढ़ाया वो ही पूछूंगा, जो मैंने मार्क करके भेजा है उसमें से पूछूंगा, बस इतनी कंडीशन है। पूछूंगा मार्क करने से, यदि कोई चीज़ छूट गई है तो वह आपकी जिम्मेदारी के फ्रंट देखो उसको, कीवर्ड्स निकालो, नोट करो। हाँ, करंट अफेयर्स लास्ट टेस्ट जब हुआ था आपका, उसके बाद से लेके अब तक। ठीक, एक करंट अफेयर्स और क्या है, और नंबर आपके ऊपर डलेंगे इस बार। ठीक है ना, आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं कहते आ रहा हूँ उसको आपको बस केवल मुझे कंप्लीट कर देते आना है। धीमे धीमे आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन आपका लोड कम हो गया, आपको पता नहीं चला कब आपकी 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी गायब हो गई। और गायब नहीं, मतलब इतना अच्छा आपका उसके ऊपर फाउंडेशन बन गया कि अब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको हार्डली 2 या 3 दिन लगेंगे। पहले आपने जो पढ़ी थी आपको बेस ही नहीं पता था क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये है बस, एक बार अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए उसका देखो आपका फाउंडेशन एकदम मजबूत हो जाएगा। इसी एनसीईआरटी आज चैप्टर पढ़ने में क्या समझ में आया, हमें यूनियन कार्बाइड का मुद्दा समझ में आ गया,
ठीक, हमें आर्टिकल 29 समझ में आ गया, सुभाष कुमार केस क्या है हमें ये समझ में आ गया, मिनिमम वेज के लिए कानून है कि नहीं यही भी हमें समझ में आ गया, ठीक, ये सब चीज़ें हर चैप्टर से कुछ ना कुछ नया मिल रहा है आपको, ठीक। चलिए आज के लिए छोड़ते हैं, धन्यवाद।